बरेली में कुछ समय पहले बदायूं रोड करगैना का रहने वाला बीरपाल सिंह के धर्मशाला के हॉल में अज्ञात अभियुक्त के द्वारा राजेंद्र मौर्य का गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सुभाष नगर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले में बरेली के SSP के द्वारा कड़े निर्देशों पर दो टीम तैयार कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें रामजी सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र हरकरम सॉन्ग्स निवासी सिमरा गौरीपुर थाना फरीदपुर, दूसरा शिव कुमार पुत्र विनोद पाल सिंह चौहान निवासी गोपालपुर नगरिया अनूप थाना बिहारीपुर थाना बिहपुर चैनपुर को हिरासत में लिया गया। दोनों अभियुक्तों के पास आला कतली PVC काले रंग का तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस नंबर UP25DH9237, एक अदद मोबाइल फोन रेडमी, घटनास्थल शटर के ताले की दो अदद चाबी बरामद की गई है। पत्नी पे भी टिप्पणी की थी कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा कहना किया है। हत्याकांड का क्या मामला था और किस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ था? थाना सुभाष नगर में बालाजी मंदिर के पास एक गोडाउन था, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसको कि PM के बाद स्ट्रैंगुलेशन आया। उसमें गहनता से जानकारी की गई, बहुत सारे सर्विलांस की सहायता ली गई और उसके साथ साथ सुभाष नगर पुलिस टीम ने इसमें काफ़ी गहनता से कार्य किया। उसके बाद पता लगा कि वहाँ पर रहने वाले जिनका घर है उनका एक नाती था जो वहाँ पर रहता था, जिसका नाम रामजी है, गौरव सिंह है, उसका एक साथी है जिसका नाम शिव कुमार है। उन दोनों ने कतिपय उसकी पत्नी के ऊपर लेकर टिप्पणी को लेकर और उसके साथ गलत कार्यों को लेकर उसका मर्डर किया। उसमें एक तार था जो बरामदगी हुई है उसकी, और उसके साथ साथ हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ गलत कार्य करने की चेष्टा की और उसके साथ साथ पत्नी को भी गलत कहा, इसलिए उसने उसका मर्डर किया। इसमें सुभाष नगर पुलिस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, दोनों की गिरफ्तारी की गई। उस दिन क्या हुआ था, साथ में बैठ के पार्टी मना रहे थे, क्या कर रहे थे घटना वाले दिन, किस तरह से पूरा? जैसा बताया गया कि पहले भी वो लोग एक साथ बैठकर शराब पी चुके थे और साथ साथ बैठ के कई बार पीते भी थे, तो उस दिन भी इन्होंने कहा कि दारू पी गई तीनों के द्वारा, और फिर उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में था, ये भी शराब के नशे में थे, तो उसके साथ साथ इन्होंने इसका गला दबाकर हत्या कर दी। कैसे पुलिस को लीड मिली कि ये आरोपी निकले, कैसे पूछताछ में? एक छोटा सा क्लू था जिसमें ये पता लगा कि आरोपी द्वारा बताया गया था कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर था, लेकिन जब उसमें देखा गया, सर्विलांस की सहायता ली गई और अन्य लोगों से पूछताछ की गई गहनता से, तो वो बाहर नहीं गया था, घर पे ही रहा था और आसपास रहा था, घर के आसपास, तो उससे सुई गहराई और फिर उसके बाद धीरे धीरे कड़ी जुलती गई और उसमें घटना का अनावरण किया। दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं, क्या है इनका रिलेशन? क्या ये जैसा बताया गया है दोनों के द्वारा कि हम 9th क्लास से एक दूसरे के साथ पढ़ते थे और अच्छे बुरे में दोनों में साथ रहे, तो उसने बताया कि इससे अच्छा जिससे मैं डिस्कस कर सकता था उससे डिस्कस किया, फिर उसके बाद इसमें इस तरीके की घटना आवेश में की गई। ठीक है।